आईज चलो फूक मारो केक काटो मम्मी और आने दो सबको आने दो पहले क्यों ये कासे लेके आए तुम मम्मी मौसी ये गुलदस्ता फाड़ी अबे गाइस मुझे पता ही नहीं था कि मेरी 100 के हो गए वो तो जब इन्होंने मुझे बुलाया तब मैंने चेक किया थैंक यू सो मच बहुत बहुत खुशी है मुझे इस चीज की चलो जोर से चलाओ अब ये केक गिर गया यार ये केक जल्दबाजी में इनकी वजह से की जल्दी आओ काओ काओ कौन कर रहा था फोन ये प्रियांशी प्रेम नगर गए थे हम केक लेने सबसे पहला केक पापा के लिए क्योंकि पापा मुझे हॉरर के पापा की तरह किसी भी चीज के लिए रोक टोक नहीं करते मम्मी का है मम्मी को बुलाओ यार मेरे कान के पत्ती खुल गए भाई सबके लिए केक ये आ जाओ और मम्मी 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 पापा नानी अरे वाह अरे यहां तो एक गोला मैं पूछ मेरे को पैक क्यों हां जल्दी आओ आ जाओ पापा आ जाओ नहीं तो फिर मम्मी मम्मी दोनों साथ में आ जाएगी फिर और अगला केक मेरे इन-लॉज के लिए क्योंकि जब मेरी शादी भी हो जाएगी ना मैं आपको ऐसे ही नाचती खेलती हंसती भी दिखूंगी क्योंकि मेरे इन-लॉज बहुत ही अच्छे हैं बिल्कुल रोक टोक नहीं करते दुनिया की बेस्ट सास ससुर है ये थोड़ा गाड़ी है ना अभी तो मुंह पे लपोतेंगे हम केक अभी तो पूरा मुंह पे जाएगा केक बच करके और ये वाला केक मम्मी के लिए क्योंकि मम्मी बिगेस्ट सपोर्टर रही है मेरी लाइफ में पापा ने स्टार्टिंग में मुंह बना दिया था लेकिन मम्मी ने हमेशा साथ दिया मम्मी ने केक चाहिए पिंकी दी को खिलाओ अब पिंकी दी भाई मम्मी को खिला दिया आ जा भाई बाद में बात चाची पिंकी दी हां चाची पिंकी दी नानी को खिला दिया अगला मेरी चाची को क्योंकि मेरी चाची ना मेरी मम्मी जैसी है बिल्कुल छोटी मेरे चाची का नंबर भी सेव है छोटी माँ से और जब हमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी ना तो हम रोए तो साथ में चाची हमसे ज्यादा रोई है कुछ भी हूँ ना या मुझे 50 लोग जानते भी है तो मेरी फैमिली की वजह से जानते हैं सब अरे सभी ने सब लोग गिरो ना ये गलत कर दिया बाबे रोने कोई बात नहीं बाबे अगला केक दीदी को क्योंकि मैंने बचपन से बहुत लड़ाइयां कर रखी है लेकिन पिंकी दीदी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया अगर कभी मैं गलत भी होंगी ना तो वो हमेशा एक शील्ड बन के आगे खड़ी रही हमेशा मेरा सपोर्ट किया उसने अगर रो मत बाहर पे गाइस खुशी के आंसू है वो अगला केक अंकु के लिए क्योंकि बहुत टाइम से मेरे ना 100 के फॉलोवर्स हो ही नहीं रहे थे और मैंने उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि मेरे फॉलोवर्स तो हर छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते थे अनफॉलो कर देते थे अंकित था एक जिसने बोला होएंगे देखना न्यू ईयर आएगा ना होएंगे आज हो गए मुझे इतनी खुशी हो रही है ये भी मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहा है हमेशा ये ब्रदर
अगला केक शैंकी के लिए। ये वैसे तो मेरा छोटा भाई है लेकिन इसने हमेशा बड़े भाई की तरह मेरी केयर करी है और हमेशा समझाया, सपोर्ट किया मेरे ड्रॉबैक्स में या मेरे लो टाइम में भी, हमेशा मुझे ऐसे बड़े भाई की तरह समझाया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ये वैसे तो अंकित का भाई है लेकिन इसने मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि मेरा भाई नहीं है, मेरे लिए हर चीज करता है, मुझे कोई भी छोटी चीज चाहिए होगी ना तो भाभी ये भाभी वो हमेशा मेरे लिए सपोर्ट में रहते। थैंक यू सो मच किस्सू। अगला केक मेरे बड़े भाई को, वैसे आपने उसको कभी देखा नहीं होगा और मोस्टली मुझसे नाराज रहते हैं लेकिन मुझे पता है हम सबसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव है और जैसे इनको मुझ पे गर्व होता है ना, मुझे भी बहुत ज्यादा गर्व होता है कि मैं इन सबके से कनेक्टेड हूँ और ये लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये वो लोग हैं जिन पे मैं गुस्सा करती हूँ बहुत ज्यादा क्योंकि सब मुझसे छोटे हैं लेकिन सब मेरा गुस्सा सहते हैं और मुझे बहुत प्यार से रखते हैं, तो थैंक यू सो मच। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे 100 के हुए मुझे पता नहीं था लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी है क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है। थैंक यू सो मच। और गाइस अगला केक प्रिंस के लिए, जिसको मैं देशद्रोही बोलती हूँ लेकिन मैं इसको बहुत कुछ बोल देती हूँ क्योंकि मैं बस हूँ ऐसी कि मैं कुछ भी बोल देती हूँ पर ये कभी बुरा नहीं मानता और ये बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है और मुझे बहुत इनकरेज करता है। लाइक इसने मुझे आज गाड़ी चलाते हुए बहुत इनकरेज किया, मैं बीच में रुक भी गई थी लेकिन इसने बोला मैं घर में नहीं बताऊंगा। मैं इससे नाराज हूँ, वैसे इसने मुझे बोला कि आप मेरी बहन नहीं हो, तो है ये सबके सब मेरे भाई है और मैं इनके बिना अधूरी हूँ बिल्कुल। और अगर ये मेरी शादी में रोया नहीं ना, जैसे पिंकी जी की शादी में रोया, तब से मेरा भाई नहीं है। मेरी शादी में भी रोना चाहिए। और थैंक यू सो मच। मैंने तो खिलाया नहीं था, एक बार पहले मैं भी खिला देती हूं। वेलकम वेलकम। मम्मी के लिए गाइस, मम्मी के लिए कितना बोलूं उतना कम है। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मैं पूरे खानदान में ऐसे खानदानी पूरे वर्ल्ड में भी ऐसे घुटनों के बल और हाथों में दिए वाले लेके भी घूमूंगी ना, मुझे ऐसे पेरेंट्स कभी नहीं मिले हैं। अरे बार दिया। और सबसे बड़ा थैंक यू सो मच अंकित, शैंकी, किस्सू और प्रिंस को कि ये चारों के चारों चुपके से घर से निकले, खाना भी नहीं खाया इन लोगों ने और ये पता नहीं कहाँ से ये झाड़ फूस इकट्ठे करके लेकर आए हैं और मुझे सरप्राइज दिया। और मुझे लिटरली नहीं पता था कि मेरे 100 के हो गए क्योंकि मैं उम्मीद हार, आधी रात को यही मिला क्योंकि केक ढूंढने भी हम काफी दूर चले गए थे, केक भी ऐसे पहुंचा है क्योंकि जल्दबाजी में कॉल करे तो केक ऐसा सही हिल रहा था। और एट लास्ट थैंक यू सो मच आप सबको जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया और मेरी बहुत सारी गलतियों के बावजूद भी आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, ऐसे प्यार करते रहना। थैंक यू सो मच। और जल्दी से मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स कर देना। हमारी श्री के लिए, श्री बाहर नहीं आई थी क्योंकि बाहर ठंडा हो रहा है, लेकिन मैं अभी से बता देती हूँ, मेरे जियाजी पटवारी और मेरे जियाजी को पढ़ाई लिखाई में बहुत है लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी को ना हीरोइन बनाऊंगी अपनी तरह, ठीक है। उसका यूट्यूब चैनल होगा, इंस्टाग्राम में अकाउंट होगा, बहुत सारे फॉलोवर्स होंगे, रील्स बनाएगी अपनी तो बेटी। इसको आप पास से भी देख सकते हो मेरी तरह सुंदर है गाइस, मेरी तरह बहुत सुंदर है। इसकी मम्मी नहीं है, नहीं है, मेरी है वो। नहीं, अभी भी लग रही होगी पर शायद इस गाइस ये आया है, आया, मैंने इसको दिया है संभालने के लिए, ऐसी मम्मी है वो है ना चिरी। बोले लाइक करना, शेयर करना, एक कमेंट करना। बाय बाय बाय। अभी तो ताई मस्त डांस करेंगी, अरे अभी तो मस्त डांस होंगे, तो बाहर की जाओ भैया, बाहर की जाओ डांस करो, बचना प्यार लगाओ, बचना प्यार
क्या सुनी मतलब जो चाण वाले का और गाइस मेरे पे जितना टैलेंट है ना, लाइक मैं गाना गाती हूँ या मैं हारमोनियम बजाती हूँ, मैं गिटार बजाती हूँ या मैं डांस करती हूँ, मैं फुल ऑन आर्टिस्ट हूँ मेरे नाना जी की वजह से। ओ तालियां तालियां। आप नाना जी डांस करेंगे हमारे साथ। नाना जी दो शब्द बोलिए। तेरे नकरानु मिजाज को देख करके, तेरी छोटी छोटी बात पर गुस्सा होने की बात को देख करके मुझे बड़ी भारी हर्ष और खुशी की बात होती है। थैंक यू सो मच। इसी बात में केक खिलाएंगे। खिला दिया केक? खिला दिया। हाँ। इसको खिलाओ पापा, खिलाओ अभी। अरे ये केक और नाना, नाना ये लाइव चल रहा है अभी, अगर आपने डाले नहीं तो इसके जो फैंस है तो आपको बोलेंगे कि आपने डाले नहीं अभी तक ही डाले। हाँ नानी से बात करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। 1,00,000 रुपए नहीं, 1,00,000 पैसे डाल सकते खुशी आप लोग दे रहे हैं, इसके मैं आभारी हूँ। और आभारी इसलिए भी हूँ कि मैं तुम्हारा नाना भी हूँ। जितने यहाँ पर ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा। मैंने इससे पूछा है नाना जी नींद में क्यों लग रहे हैं? अभी नींद में हूँ। आज मंगलवार है, कुकड़ी थोड़ी थोड़ी मंगलवार है, कुकड़ी बुधवार को बने हूँ। नाना के लिए दिखाओ जरा, एक बार नाना को दिखा देता हूँ, किसकी बात कर रहे हैं नाना, इस चीज की बात कर रहे हैं। अरे खाना जो खा लेगा खा ले। नाना तो नाना हमारे सामने डांस करेंगे, हमारे साथ करेंगे, सिंपली के साथ डांस करेंगे। हाँ, हाँ। चलो पहले तो खाना खा लो नाना जी, चाची फ्री हो जाएगी। इन्होंने कहा खाया ये केक लेने, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। ये नाना जी हमें इसका फ्रंट खोलते हैं। ए मेरा वो ये सरप्राइज देने वाले, मुझे इतना सबको हौसला रहता है। ये ना कोई बात नहीं, तुम्हारा जिंदगी टैंकर भी कम पड़ गए होंगे साले। तो न जाने रेडी कर रहा हूँ, अगर तुम्हें हम कर ये मैं तुम्हें बोलते रहा बाबा माँ यही करने गया था। रेडी कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तू मेरी ना तेरी का और तू मेरे वो है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पहली बार मैंने तेरे को जब से देखा है ना, मेरा जी ऐसा मजाक नहीं बेटा, सचमुच करो जो आवाज जब आदमी कभी दारू पीकर की बात करता है ना, सच बोलता है उनको खान पिलाओ। ये तो टकराव लड़ाई थे।
पिंकी को कुछ सारा कि मेरे जवाई से बात नहीं करी इन्होंने। मेरे जवाई का भी वैसे नहीं बैठा था। थोड़ा बहुत ही खुशी लग गया भाई। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम दोनों का जिंदगी बहुत खुशमय ढंग से गुजरे। और एक चीज जरूर कहता हूँ, हिंदी का बट, अंग्रेजी का बट, हिंदी का लेकिन, कभी भी आगे बढ़ो, तरक्की करो और बूढ़ों बूढ़ों को कभी मत बोलो। आप लोग आशीर्वाद देना नहीं बूढ़े बूढ़ों का जोर जोर आ रहा है। अपनी भाभी का तरक्की करो और बूढ़ों बूढ़ों को कभी मत बोलो। अब ये लाली, ये खूबसूरती, ये खूबसूरत चेहरा, ये रंग ढंग बूढ़ों के पीछे हुआ है तुम्हारा। और बुढ़ी बन जनते नानी डांस भी कर लिया, आपको पता भी नहीं चला। तभी नानी मैं बरख दी नजर कारण ना कारण कि बुढ़िया खड़बट खेड़ना हो जाओ। और मैं नारायण कह रहे थे मेरा दो बेटी, देखो ये मतभेद यूं पुराण का कि बुढ़िया खड़बट खेड़ना हो। और मैं क्या बोलूं ये मेरा दो बेटी, अब दोनों में बात सही है। अरे क्या ला जो तुम दूध पिलाओगे ना, चलो यहाँ पे दीदी बोल दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। नाना जा रहे नहीं बोलिए मेरे चैनल को अलग कर दो। मेरे चैनल को अलग नहीं, अलग नहीं, सब्सक्राइब फर्स्ट प्राइस कर दो मेरे चैनल को जल्दी से। अरे पैसे रपड़ू मैं क्या की।